रेल रो को सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से रेल रोको के कार्यक्रम का आह्वान दिया गया। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक ऐतिहासिक महापंचायत का आयोजन किया जाएगा। कल संयुक्त किसान मोर्चा के तमाम संगठनों की एक बड़ी बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता हरपाल जी ने की थी। उस बैठक में जो निर्णय हुए वो मैं आपके सामने बता रहा हूं। 5 अपील हम पूरे देश के लिए कर रहे हैं। पहला कार्यक्रम है 12 तारीख को। 12 तारीख को हमारे इन सभी 5 शहीदों, 4 हमारे किसान और 1 पत्रकार जो शहीद हुए इसके नीचे दबते, 5 किसान और एक किसान पत्रकार जिन्होंने मुझे करेक्ट किया, इन 5 की अंतिम अरदास और भोग समारोह उत्तर प्रदेश लखीमपुर जिले में तिकोनिया स्थान पर होगा। हमारा अनुरोध है कि 12 तारीख शाम को कैंडल लाइट मार्च निकालें, मोमबत्ती से लेके चलें। दूसरा कार्यक्रम है कि 12 तारीख को वही तिकोनिया से पूरे देश के लिए शहीद किसानों के अस्थि कलश, फूल बोलते हैं, उसे लेके यात्रा रवाना हो। उत्तर प्रदेश के जितने भी जिले हैं, हर जिले के लिए अलग अलग कलश लेके उस जिले की यात्रा वहां से रवाना होगी 12 तारीख को, और ये यात्राएं सब 24 तारीख तक समाप्त हो जाएंगी। तीसरा प्रोग्राम है दशहरे का। 15 अक्टूबर को दशहरा है। संयुक्त किसान मोर्चा की अपील है देश के तमाम नागरिकों से कि ये सच की विजय और झूठ के नाश का दिवस है, और इस वक्त इस देश में झूठ के सबसे बड़े जो 3 प्रतीक हैं, इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इस देश के गृहमंत्री अमित शाह, और स्थानीय स्तर पे हम तो तीसरे की भी घोषणा कर रहे थे। हमारे सब साथियों ने कहा नहीं, मेरा विलन ये है, दूसरे ने कहा मेरा विलन ये है, हमने कहा तीसरा आप अपने मन से तय कर लीजिएगा कि योगी जी का सोचता है, दूसरे ने कहा नहीं खट्टर जी भी उतने ही बड़े हैं, हमने कहा तीसरा आप अपने मन से बना लीजिए, स्थानीय स्तर पे तय होगा। झूठ और अहंकार के इन 3 प्रतिनिधियों को चुनकर इस बार दशहरा में उनका पुतला दहन किया जाएगा। तीसरा कार्यक्रम। चौथा कार्यक्रम है 18 अक्टूबर का। 18 अक्टूबर को रेल रोको सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से रेल रोको के कार्यक्रम का आह्वान दिया गया। और पांचवा और अंतिम कार्यक्रम 26 अक्टूबर का। 26 तारीख हमारे लिए बड़ी महत्वपूर्ण हो गई है हर महीने की। 26 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक ऐतिहासिक महापंचायत का आयोजन किया जाएगा।